स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 28 से लेके एग्जांपल नंबर 32 तक। सबसे पहला 28 नंबर एग्जांपल में है कि ABC is isosceles triangle in which AB is equal to AC। यहाँ दिख रहा होगा AB AC के इक्वल है। Circumscribe about a circle, prove that base is bisected by the point of contact। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है बता रहा है कि आपको ये दिखाना है कि बेस इससे बाइसेक्टेड है। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से बेस बाइसेक्टेड है, इट मींस आपको ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये आपको प्रूफ करना है। अब एक चीज देखो, यहां पे फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ए, From external point A, AD and AE are tangent. AD, AE and AD are tangents. तो अगर ये दोनों tangent हैं, तो therefore external point से pair of tangent क्या होंगे? Same circle पे जो tangents बनेंगे, equal बनेंगे। AD is equal to AE is equal to x, ठीक है। यहां पे x इसलिए ले रहे हैं ताकि हम अगर आपको बताएं तो आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब now since AB is equal to AC, तो therefore AB minus x is equal to AC minus x. AB minus x यानी AD कर रहे हैं, है ना? और AB minus BD कर रहे हैं, वो भी क्या आएगा? Equal. तो अगर हम AB में से AD यानी x हटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ BD बचेगा। क्या बचेगा? BD। और यहां पे हमारे पास AC में से AE minus कर देंगे तो बचेगा सिर्फ क्या? हमारे पास EC बचेगा। तो देखो ये ले लो एक। अब इसके बाद आप देखो B और C का क्या है? B और C क्या है? आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। B एंड C आर एक्सटर्नल पॉइंट्स फ्रॉम विच टेंजेंट्स BD, यहां पे क्या लिखेंगे? BD, BF एंड EC, CF आर ड्रॉन, ठीक है। ये दोनों हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका? BD इज इक्वल टू BF, ऑल्सो EC इज इक्वल टू CF। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड तुम देखो क्या हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड BD BF के इक्वल है, ठीक है, और EC किसके इक्वल है? CF के। Hence proved. तो therefore ये जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है क्या हो रहा है कि जो AF है बाइसेक्ट करेगा किसको? बाइसेक्ट BC, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो कि ये जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ये बाइसेक्टेड होगा यहां पे आपका थर्ड वाला जो साइड है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में देखो दो है। इफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टच अ सर्कल, प्रूव दैट द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal to the sum of the sides of the other pair. यानी आपको क्या प्रूफ करना है कि ये AB plus DC, क्या प्रूफ करना है आपको? To prove AB plus CD is equal to AD plus BC. AD plus BC. ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इसको हम लोग अभी प्रूफ करेंगे कि अपोजिट साइड का सम जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा।
फिर उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट वाला करेंगे। तो पहले इसको प्रूफ करने के लिए देखो, डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल, सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल, और बी एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये वैसे ही ये वाले दोनों टेंजेंट भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी सी डी ये क्या है, आपका एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि ए बी सी डी आर एक्सटर्नल पॉइंट्स फ्रॉम विच पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये लिख दिया, अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे, डी आर इक्वल टू आर एस। सबसे पहला हमने लिखा डी आर इज इक्वल टू आर एस, ये देखो पहला हो गया। दूसरा अब देखो कैसे लेंगे वो भी याद रखो, अगर डी आर लिया है तो आर सी लेना ताकि प्लस हो सके, तो डी आर में प्लस क्या होना चाहिए, आर सी। अब आर सी के इक्वल कौन वाला है, सी क्यू, तो मैंने क्या लिया यहां पे, सी क्यू ले लिया। फिर इसके बाद इन दोनों में से कोई एक, देखो सी क्यू देखा मैंने, सी क्यू देख लिया, तो सी क्यू में ऐड क्या होना चाहिए, बी क्यू, तो सी क्यू में ऐड किसको होना है, बी क्यू को, और बी क्यू के इक्वल कौन है आपका, पी बी है, ले लिया हमने। अब पी बी के साथ ऐड किसको होना है, एपी को, पी बी के साथ किसको ऐड होना है, ए पी को, सॉरी पी है ये, ए पी को इज इक्वल टू, ये ए पी किसके इक्वल है, ए एस के इक्वल है। अब क्या करना है, अब आपको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड, एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हमने क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। ऐड जब करेंगे तो देखो dr प्लस आर सी लिखेंगे हम, dr प्लस आर सी लिखेंगे, फिर इस साइड में pb प्लस ap भी लिखेंगे, और उस साइड में अब क्या बचा है, rs के साथ as लिखो, r s dr is equal to ds होना चाहिए, सॉरी देखो यहां पे क्या है, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक है, dr किसके इक्वल है, देखो यहां पे डी आर डी एस के इक्वल है, डी आर डी एस के, तो डी एस के साथ ए एस लिखो, डी एस प्लस ए एस। देखो लिखना तो हमको सारे के सारे जो है ऐड करके हैं, तो डी एस में ए एस को ऐड किया और बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ लिख लें, हम इसको बगल बगल में इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको ऐड करने में कोई दिक्कत ना आए, सी क्यू। अब तुम देखो डी आर और आर सी मिला के क्या बनेगा, डी आर और आर सी मिला के बनेगा मेरा सी डी, पी बी और ए पी मिला के मेरा क्या बनेगा, पी बी और ए पी मिला के मेरा ए बी बनेगा, इज इक्वल टू डी एस और ए एस दोनों कंबाइन होके क्या होंगे, डी एस ए एस कंबाइन होके आपके ए डी हो गए, और फिर बी क्यू और सी क्यू दोनों कंबाइन होके ये क्या बनने वाला है, ये आपका बी सी बनेगा, और यही आपको प्रूफ करना था, एडी है ना प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस ए बी, है ना, यही प्रूफ करना था कि एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड का सम दूसरे पेयर ऑफ अपोजिट साइड के सम के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला पढ़ो, इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अभी इसको प्रूफ किया, अभी इसमें भी वही बात कह रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है हर एक साइड सर्कल को टच करता है, होस साइड्स ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 है पूरा, ए बी के बाद कौन है बी सी इज इक्वल टू 7 है, बी सी ये रहा 7 सेंटीमीटर, एंड सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइड, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे देखो ऑलरेडी हमने प्रूफ करके रख दिया कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस ऑलरेडी प्रूव्ड
ऑलरेडी हमने क्या प्रूफ किया, इसको दोबारा से या तो नए क्वेश्चन में होता तो पूरा लिखते, लेकिन ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। और देखो ऐसे ही पेयर्ड था तो अपोजिट साइड से हमने कर दिया है कि ये अपोजिट साइड का जो पेयर होता है उसका सम इक्वल होता है। तो ऑलरेडी प्रूफ्ड कि CD प्लस AB इज इक्वल टू AB प्लस BC। प्रूफ्ड है CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू 4 है, AB की वैल्यू कितनी है 6 है, AD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और BC की वैल्यू कितनी दी है 7। तो 6 4 10 इज इक्वल टू AD प्लस 7। AD की वैल्यू कितनी आ गई 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इफ ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल शो दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। अगर सारे के सारे साइड टच करते हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम जो है एक रोम्बस है, सब टच करता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं जो छूटा हुआ है। अब यहां पे देखो फिर से मेहनत नहीं करने जा रहे हैं हम यहां लिखने वाले हैं कि सिंस ऑलरेडी प्रूव्ड, क्या प्रूफ करना था हमको, सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द साइड्स ऑफ द अदर पेयर। तो क्या लिखेंगे हम कि सिंस ऑलरेडी प्रूव्ड दैट द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर टू अपोजिट साइड्स। तो देयरफोर हम ये कह सकते हैं कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। और यही चीज देखो हमने यहां प्रूफ भी करके रखी हुई है, यही चीज प्रूफ किया है ना कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है, तो AB की जगह तो हमने क्या रखा, AB ही रखा, लेकिन CD की जगह पे हम चेंज करने वाले हैं। क्या चेंज करने वाले हैं, CD की जगह पे हम AB फिर से लिखने वाले हैं इज इक्वल टू AD, AB हो गया ना, अब AD, AD की जगह पे AD ही लिखेंगे, लेकिन हम BC को चेंज करने वाले हैं, BC की जगह पे क्या लिख देंगे, फिर से दोबारा AD लिख देंगे। अब ये क्यों लिखेंगे, तो सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, तो देयरफोर AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। आप समझ में आया कहां से लिख दिया मैंने, ये अपोजिट साइड थे, इक्वल थे, तो CD की जगह AB, BC की जगह AB। अब ये कितना आ गया आपका, ट्वाइस AB इज इक्वल टू ट्वाइस AD, टू से टू कैंसिल हो गया, AB इज इक्वल टू AD। तो देयरफोर AB किसके इक्वल था, AD के इक्वल है, और AB किसके इक्वल है आपका, CD के इक्वल आ रहा है, और A किसके इक्वल आ रहा है आपका, BC के इक्वल। तो देयरफोर क्या हो गया, पैरेललोग्राम इज रोम्बस, यानी कि ऐसा कोई पैरेललोग्राम जो कि टच करता हो है ना सर्कल को हर एक साइड पे, तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या होगा, रोम्बस होगा, है ना, चारों साइड इक्वल आ गई, है ना, बगल बगल की साइड इक्वल, तो फिर तो पैरेललोग्राम में सारी साइड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखो प्रूफ करना है कि दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर, ये रहा हमारा PQ डायमीटर, और PQ डायमीटर के एक्सट्रीम पे हमने एक लगाया है टेंजेंट AB, दूसरा हमारा ये है CD। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है, यहां पे हम लिख देते हैं कि टू प्रूफ AB पैरेलल CD, यही लिखना है आपको। इसके अलावा ये डायमीटर है तो पक्का है कि देखो सेंटर से पास कर ही रहा होगा। The segment joining the point of contact of two parallel tangent
passes through at the center, इसी का opposite पूछ दिया, ठीक है? converse, इसको पहले देखते हैं, क्या देखोगे कि since PQ is diameter and यहां पे हम O ले लेते हैं, ठीक? अगर O ले लें तो रेडियस पढ़ा था ना हमने, तो इसको भी हम रेडियस लिख के चलते हैं. सिंस पी ओ हो जाएगा ये हमारा, चलो लिखते हैं कि सिंस ओ पी इज रेडियस एंड ए पी बी इज टेंजेंट, तो देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर किसके? ए बी के, ठीक है? ओपी क्या है? परपेंडिकुलर हुआ किसके? ए बी के. परपेंडिकुलर हुआ तो एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू हाउ मच? 90. ये हो गया आपका पहला. सेकेंड और नीचे देखते हैं, ओ क्यू सिमिलरली लिख देते हैं यहां पे कि उसी तरीके से सिमिलरली ओ क्यू इज रेडियस, ओ क्यू इज रेडियस एंड सी क्यू डी इज टेंजेंट. सी क्यू डी क्या है हमारा? टेंजेंट है. तो देयर फोर ये जो आपका ओ क्यू होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? सी डी के. तो therefore एंगल ओ क्यू सी कितना हो गया? 90 डिग्री, ठीक है? यानी ये 90 तो ये 90 डिग्री हो गया. अब तुम देखो, ये इसको लिख देता हूं मैं सेकेंड. तो यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री. बट दीज आर वॉट? दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. ये दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स हो रही है. लेकिन इससे पहले हमको ये लिखना पड़ेगा ना कि ये दोनों का सम, सम लिख देते हैं यहां पे. एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. 90 प्लस 90 180 डिग्री. लेकिन ये दोनों एंगल्स हैं क्या? बट दीज आर को इंटीरियर एंगल्स. तो देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी. ये क्या फॉर्म कर रहा है? को इंटीरियर एंगल फॉर्म हो जा रहा है ना. 90 प्लस 90 180. अगर को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए. तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइन आपस में पैरल है ना. दो पैरल लाइन इन ट्रांसवर्सल. अगर इसका सम कितना आ जाए? 180 आ जाए. तो इट मीन्स दिस बोथ लाइंस आर पैरल टू ईच अदर. अब इसी का कन्वर्स है. अगर ऑलरेडी पैरल है तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है? ऑलरेडी पैरल है तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे तो भी क्या आएगा? ये आपका टेंजेंट पास करेगा किसके थ्रू? ओ के थ्रू ही पास करेगा, क्योंकि ये पूरा डायमीटर बन जाएगा आपका ज्वाइन करते हुए, ठीक है? ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा. तो इसका मतलब ये जो पी क्यू है ये पास कर रहा है किससे? इससे, सेंटर से. नेक्स्ट देखते हैं अपना लास्ट. इस एग्जांपल में देखो क्या है. पी क्यू इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ए एंड बी टचिंग देम एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली. अब यहां पे ये कॉमन टेंजेंट है, देख सकते हो. ये जो कॉमन टेंजेंट है, ये कॉमन टेंजेंट पी पे टच कर रहा है इस सर्कल को, इस सर्कल को क्यू पे टच कर रहा है. प्रूव दैट एपी अपॉन बी क्यू, एपी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू एओ अपॉन में बीओ. प्रोपोर्शनैलिटी कब हम लगाते हैं? जब सिमिलैरिटी आती है. सिमिलैरिटी हमको दोनों ट्रायंगल के अंदर प्रूफ करनी है. कितना आसान है देखो. यहां 90 है परपेंडिकुलर, यहां 90 है परपेंडिकुलर. ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया.
दो एंगल इसका इक्वल है दो एंगल इसके, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, यानी बाकी सारे साइड्स प्रोपोर्शन में हो गए। बस यहां पे हम मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे, एंड ट्रायंगल ए ओ पी, एंड ट्रायंगल कौन सी, बी ओ क्यू। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं कि एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कैसा है, ये गिवन है, और गिवन नहीं है तो ए पी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, बी क्यू बी क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा। इसके अलावा एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू, और ये कैसे हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्रायंगल BOQ के, और किस एक्सियम से हुआ, AA एक्सियम से, है ना। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो देयरफॉर साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शन में, यानी AP अपॉन में BQ इज इक्वल टू AO अपॉन में BO। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपना एक्सरसाइज 14D, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।